वार एंड पीस, आईना करेना जैसे उपन्यासों के रचयिता महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय, जिनका मानना था कि हर कोई दुनिया बदलना चाहता है लेकिन कोई खुद को बदलने की नहीं सोचता। लियो टॉल्स्टॉय ईश्वर में बहुत विश्वास रखते थे। वो हर रोज सुबह प्रभु से प्रार्थना करने के लिए चर्च जाया करते थे। पर एक दिन लियो टॉल्स्टॉय चर्च के लिए सुबह जल्दी घर से निकले। वो चाहते थे कि सुबह के शांत वातावरण में वो प्रभु से अपने दिल की कुछ बातें कर सके और भगवान से अच्छे से प्रार्थना कर सके। पर वह वहाँ पहुंचकर एकदम से हैरान रह गए, क्योंकि चर्च में पहले से ही एक मौजूद व्यक्ति भगवान के आगे आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था और अपने अपराधों की क्षमा मांग रहा था। और उसने सुना कि वो प्रभु से कह रहा था कि प्रभु, मैं बहुत ही पापी व्यक्ति हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से पाप किए हैं, मुझे अपने पापों के बारे में आपसे कहते हुए भी लज्जा आती है, तो आप मुझे उन सब पापों के लिए क्षमा करना। और ये सुनकर लियो टॉल्स्टॉय बहुत हैरान रह गए। उसने सोचा कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है, अपने गुनाहों को मान रहा है और प्रभु के आगे गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि आजकल का कोई भी व्यक्ति अपने गुनाहों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसने ये सोचा कि इस व्यक्ति से मिला जाए। जब वो उस व्यक्ति के पास पहुंचा, उसने उसे देखा और पहचान लिया। वो उनके शहर का ही बहुत ही एक नामी व्यक्ति था। तो उसने उनसे पूछा कि आप प्रार्थना कर रहे थे, तो व्यक्ति एकदम अचंभित हो गया। उसने पूछा कि तुमने मेरी बातें सुनी, तो टॉल्स्टॉय ने कहा, हाँ सुनी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भगवान से अपने अपराधों की क्षमा प्रार्थना कर रहे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने तो सुनी, पर बाहर जाकर के किसी और व्यक्ति को इसके बारे में मत बताना। तो लियो टॉल्स्टॉय थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने फिर कहा कि ऐसा क्यों? तो उसने ये कहा कि ये बातें सिर्फ मेरे और मेरे प्रभु के बीच की थी, इसको जग में बताने की जरूरत नहीं। तो लियो टॉल्स्टॉय फिर हैरान, वो सोचने लगे, ये दुनिया भी कितनी विचित्र है कि भगवान से कोई डर नहीं और भगवान के बनाए बंदों से इतना डर। वो सोचने लगे कि लोग भगवान को क्या समझते हैं कि उसकी थोड़ी सी चापलूसी से भगवान उनके सब अपराध क्षमा कर देंगे। पर वह ये नहीं जानते, जो दुनिया के सामने सच्चाई नहीं प्रकट कर सकता, वो भगवान के सामने कैसे सच्चा बन सकता है। कहते हैं हर कोई सच्चाई के बारे में बात करता है, लेकिन कुछ लोग ही इस पर अटल रह पाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखिए और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।